क्यों गाजी बाबा का इतना महिमा मंडन, और क्यों वहीं पर उन्हीं की धरती पर, महाराजा सुहेल देव की धरती पर एक ढंग का स्मारक भी नहीं जिसकी 1000 साल बाद स्थापना होती है, ऐसा क्यों? और ये क्या फैशन हो गया है कि अब आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जा रहा है? चौरसिया साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जिस प्रकार से इतिहासकारों ने इतिहास को लिखा है, उसका उद्देश्य होता है कि किन राजाओं, किन बादशाहों ने क्या गलतियाँ की, उससे भविष्य में कोई शासक गलती ना करे, इसके लिए इतिहास होता है। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि किसी के ज़माने में अगर कोई जुल्म ज़्यादती किसी राजा या किसी बादशाह ने की है, उसको लेकर आज चुनाव के समय में नफरत की बिहार बाई जाए। जुल्म ज़्यादती नहीं, ऐसा क्यों? चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम किसी ना किसी बहाने से आकर कि कहाँ जुल्म ज़्यादती, जिन्होंने जुल्म ज़्यादती की वो मरकर चले गए। अब वर्तमान में जालिमों को देखो, इनको ढूंढो ताकि जुल्म ना बढ़ने पाए। हैं, माजी के जुल्मों को नहीं देखा जा सकता। हर राजा ने अपने राज के विस्तार के लिए, बादशाहों ने अपनी बादशाहियत के विस्तार के लिए जंगे की, उसमें राइट और रॉन्ग दोनों चीजें अमल में आई है। मैंने मान लिया आपकी बात, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन इसको एक राजनीतिक विवाद क्यों बनाया जाए? जो सोमनाथ मंदिर के सामने जाकर एक वीडियो शूट हो जिसमें महमूद गजनवी का महिमा मंडन किया जाए, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। ये गलत है, ये चैनल इसलिए नहीं है। देखिए देखिए, पत्रकार बनकर बैठिए, पक्षकार बन करके मत बैठिए, भगवा कुर्ता पहन करके देश में नफरत मत फैलाइए। एक और साधु और दूसरी और आप, दोनों समान दिख रहे हैं हमें। सर, मैंने तो लाल रंग का सूट पहना हुआ, और लाल तो लेफ्ट का कलर होता है, लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, मैं सिर्फ एक पत्रकार हूं, और पत्रकार बिना पक्षकार हुए नहीं रह सकता, क्योंकि पत्रकार का भी एक पक्ष होता है, लेकिन वो निष्पक्ष तौर पर आप जैसे लोगों का भी वर्जन ले रहा है जो मेरी बात को सर्वथा गलत मानते हैं।